गाइस कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नितेश फिजिक्स क्लासेस। सो गाइस आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं हाउ टू क्रैक बीएचयू एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस। जी हाँ दोस्तों, बीएचयू एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस जो 2021 में होने वाला है, क्योंकि आपका 28 को टेस्ट है, डेट इज टुमारो, उसको क्रैक कैसे करना चाहिए। जैसे कि लास्ट ईयर भी मैंने इस तरह की वीडियो शेयर की हुई थी। लास्ट ईयर मैंने सारे एग्जाम से पहले जस्ट ये शेयर किया हुआ था। लास्ट ईयर टाइम का प्रॉब्लम नहीं था, इस साल बहुत ज्यादा है क्योंकि लास्ट ईयर लॉकडाउन चल रहा था। इस बार मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज, सर एटलीस्ट बीएचयू के लिए तो बता दीजिए। तो जो भी चैनल पर नए हैं, अगर वो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें कि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिलते रहे। चलिए दोस्तों इंतजार करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इंतजार नहीं करते, इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई है, क्योंकि आपका जो एडमिट कार्ड का इंतजार था वो फाइनली एडमिट कार्ड आपका आ गया है। और आपको जो पेपर है बीएचयू एमएससी फिजिक्स का, वो 28 को होने वाला है। यहाँ पे बात करेंगे क्रैक करने से पहले कि क्रैक कैसे करना है, वो तो पता ही है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी अपने ग्रुप में बता चुका हूँ कि कैसे क्रैक करना है, लेकिन उसके पहले कुछ की पॉइंट हम लोग ध्यान देंगे। वो की पॉइंट क्या है, पहला ये है कि इस साल का जो पैटर्न है वो क्या चेंज हुआ है। चेंज देखिए कुछ नहीं हुआ है, जो कंडक्ट करा रहा है वो एनटीए करा रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे पहले थे वो अब भी है। चेंज बस एक चीज का हुआ है कि जो पहले जो क्वेश्चन था एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का था, अब वही क्वेश्चन एक क्वेश्चन जो होगा 5 मार्क्स का होगा, नॉट 5 मार्क्स सॉरी 4 मार्क्स का होगा। और उस 4 मार्क्स में क्या होगा, जो आपका नेगेटिव मार्किंग है वो 25% है, दैट इज -1। पहले इसकी वजह से जो स्टूडेंट के माइंड में ये बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या ये जो 4 मार्क्स इंक्रीज हुआ है एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स, इसकी वजह से क्या कट ऑफ हाई जाएगी या कट ऑफ लो जाएगी, ये कट ऑफ सेम रहेगी। देखिए क्वेश्चन का जो मार्क्स है, चाहे आप 4 करिए 3 करिए 100 कर दीजिए, कभी भी जो हम लोग रेशियो देखते हैं, परसेंटेज देखते हैं कि कितने परसेंट पे सिलेक्शन हो रहा है, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता उससे कि आपका कितना मार्क्स है। ओके, लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी, जैसा कि मैं पहले बता दिया था कि अराउंड 150 जा सकती थी, तो 153 के आसपास कट ऑफ अप्लाई की थी फर्स्ट काउंसलिंग में। ये आप माइंड से निकाल दीजिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो सेम है सेम, लेकिन मार्क्स जो है वो 4 मार्क्स का हो गया, तो इसकी वजह से कट ऑफ ज्यादा जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आप सपोज करिए 50-50 क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं, तो आपके मार्क्स जो हुए अगर 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग मैं कैलकुलेट करूँ तो 150 हुए, लेकिन यही मैं कैलकुलेट करूँ 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग तो 200 हो गए। इसका ये मतलब नहीं है कि कट ऑफ ज्यादा चलेगी, कट ऑफ अब भी वही है, बस जो पहले आपका 360 में काउंट होता था जो भी आपके क्वेश्चन थे, वो अब 480 में काउंट होंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के रहते थे और यहाँ पे एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं। ओके, दूसरा की पॉइंट ये है, क्वेश्चन कैसे करना है ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा। दूसरा की पॉइंट सुनिए, देखिए जो पेपर का कट ऑफ होगा, ओके, जो आप हमसे पहले पूछेंगे सर कितने क्वेश्चन करने पे सेफ रहेंगे या कट ऑफ क्या जा सकती है, कोई भी ऐसा टीचर नहीं होगा जो क्वेश्चन जो एंट्रेंस एग्जाम के पहले कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो मान लीजिए वो झूठ बोलता है। ओके, तो मैं भी कुछ नहीं बता सकता बिना पेपर को देखे। प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कुछ कुछ बातें आपको बताऊंगा, लेकिन इसके पहले ये माइंड में रख लीजिए कि जो भी कट ऑफ होगी वो डिपेंड करेगी पेपर कैसा आ रहा है। अगर मान लीजिए पेपर काफी इजी आता है तो कट ऑफ जो होगी वो 60-70% भी जा सकती है। पेपर काफी टफ आता है तो कट ऑफ जो होगी 30-40% भी जा सकती है। और पेपर अगर इजी टू मॉडरेट है तो कट ऑफ 50-60% में लाई करेगी। एनटीए का इतिहास रहा है, जो भी अभी तक एग्जाम करा रहा है, चाहे डीयू का कराया चाहे जेएनयू का कराया, वो पेपर को काफी इजी सेट करता है। ओके, लेकिन हुआ क्या है, लास्ट ईयर में बीएचयू में कई सारे नए फैकल्टी ज्वाइन हुए हैं, तो ऑब्वियसली अगर वो पेपर सेट करते हैं तो इजी टू मॉडरेट पेपर देखने को मिल सकता है। अगर पेपर टफ आता है तो याद के लिए इजी है, कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाली है। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज है, अगर ये पेपर इजी आता है तो कट ऑफ जो कि 60-70% लाई कर सकती है, इजी टू मॉडरेट आता है तो 50-60% लाई कर सकती है, और टफ आता है तो 35-50% के बीच में वो कट ऑफ देखने को मिल सकती है या 30% भी देखने को मिल सकती है, अगर बहुत ज्यादा टफ पेपर आ गया जैसा 2010-11 में देखा जाता था। ओके, तो ये सारी बातें हुई कट ऑफ की। अब आपके पास बताते हैं कि क्रैक कैसे करना है। जैसा मैंने लास्ट ईयर भी बताया था, अभी भी ग्रुप में बताता रहता हूँ कि उनके लिए है कि जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे, तो सबसे पहले आप जाइएगा ऑनलाइन एग्जाम है, आपको पता है हाइब्रिड मोड है, खैर जिसका वाराणसी सेंटर पड़ा होगा तो मे बी आपको पेपर पेन क्वेश्चन देखने को मिल सकता है क्योंकि हाइब्रिड मोड में है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट का जो है वो एग्जाम वो ऑनलाइन मोड में है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन 1 से 120 तक आपको पढ़ लेना है। पढ़ने का ये मतलब नहीं कि केवल पढ़ रहे हैं आप, पढ़ने का मतलब ये है कि जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं
उसको आपको देखते ही टिक कर लेना है। पहला स्टेप वन ये है, हमेशा याद रखिएगा स्टेप वन, जब आप पहली बार क्वेश्चन 1 से 120 पढ़ रहे हैं उस समय किसी भी न्यूमेरिकल को टच नहीं करना है। कीप इन माइंड, किसी भी न्यूमेरिकल को टच नहीं करना है। ओके, जब आप ऐसा करेंगे अगर पेपर ई टू मॉडरेट है तो आप इजीली 35 टू 40 क्वेश्चन को लगा लेंगे। ओके, उसके बाद आपको जो क्वेश्चन ऐसे लगते हैं, इतना एक्सपीरियंस आपको हो गया है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट करूंगा तो एक मिनट से ज्यादा लगेगा या एक मिनट से कम लगेगा। तो ये जब आप पहली बार क्वेश्चन को 1 से 120 पढ़ लिए और जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है अगर आप उसको सॉल्व कर ले गए, इसके बाद आपको देख रहा है कि कौन सा क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट लेवल का है जिसमें न्यूमेरिकल अगर हम ट्राई करें, जैसे फॉर एग्जांपल रिलेटिविटी क्वेश्चन लगा लें तो डायरेक्ट अगर कुछ वैल्यू दी हुई है तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, रिलेटिविटी क्वेश्चन तो फर्स्ट शॉट में भी लगा सकते हैं, वो काफी इजी होते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करने हैं, राइट। और अगर वो क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे तो सेकंड राउंड में अगर आप देखोगे ये जो फर्स्ट राउंड होगा वो मैक्सिमम आपका लेगा 30 to 45 मिनट, इन बिटवीन आपको 120 क्वेश्चन को देख लेना है। हमेशा याद रखिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मेरे ग्रुप में स्टूडेंट हैं जिन्होंने टेस्ट दिया वो उन्हें पता है कि टाइम मैनेजमेंट क्या होता है। नए स्टूडेंट को मैं बता दूं कि हम लोगों ने लास्ट ईयर से इस साल बहुत ही ज्यादा टेस्ट दिया हुआ है। इस साल हम लोगों ने 30 यूनिट टेस्ट कराए हैं, 6 क्वार्टर टेस्ट कराए हैं और 2 फुल लेंथ टेस्ट कराए हैं, जो कि स्टूडेंट के लिए काफी बेनिफिशियल है। ओके, और मेरे ग्रुप के स्टूडेंट को एटलीस्ट ये पता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। ये सारी बातें हम बताएंगे कि अभी आपको पता होगा कि जामिया का रिजल्ट आया हुआ है और DTU का रिजल्ट आया हुआ था, दिल्ली का तो अभी एग्जाम और JNU का होगा, वो तो बाद में बताया जाएगा। सबसे पहले ये जानिए कि टाइम मैनेजमेंट जिसने करना सीख लिया उसका BHU श्योर है, अगर वो थोड़ा सा पढ़ा है उसकी तैयारी अच्छी है तो। ओके, तो आपको सेकंड शॉट में क्या, पहला जो होना चाहिए, पहला जो इंटरवल होना चाहिए वो 30 से 45 मिनट का होना चाहिए, जहां पे आपको 40 क्वेश्चन एटलीस्ट सॉल्व हो जाए। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट 45 मिनट है उसमें आपको फोकस करना है वैसे क्वेश्चन पे जो काफी इजी है, राइट। उसमें अगर आप ट्राई करोगे तो आप इजीली ट्राई करोगे तो 20 क्वेश्चन के आसपास आप लगा सकते हो। ओके, तो ये हो गया 40 to 45 और 20, अराउंड 60 क्वेश्चन आपने लगा लिया, ये आपका होता है कट ऑफ। कट ऑफ मीन्स अगर इजी टू मॉडरेट, अब यहाँ पे आप डिसाइड करेगा नेक्स्ट हाफ आवर में आप सिलेक्शन लेने वाले हो या सिलेक्शन नहीं लेने वाले हो। अब अगर 60 पे पहुंच गए तो अब आपकी लड़ाई टॉप 5% से है, हमेशा याद रखिएगा। किसी भी कंपटीशन में जितने फॉर्म पढ़ते हैं उनसे लड़ाई नहीं होती, किसी भी कंपटीशन में टॉप 5 से 10% की ही लड़ाई होती है। फॉर एग्जांपल 10,000 स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, तो आपकी 1,000 से ही लड़ाई है अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो। आप अगर 60 क्वेश्चन कर लिए तो नेक्स्ट 30 मिनट में अब आपको वैसे क्वेश्चन पे फोकस करने हैं, ठीक है। उस वैसे क्वेश्चन को आप फोकस करेंगे, उसके बाद उसमें ट्राई करेंगे कि एटलीस्ट 10 क्वेश्चन आप बना ले जाओ। अगर आप 10 क्वेश्चन बना ले गए, अगर पेपर इजी टू मॉडरेट है तो ऑब्वियसली इतने क्वेश्चन पे आपकी जो रैंकिंग होगी काफी अच्छी होगी। अब ये बात हुई तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर जितना मैंने क्वेश्चन किया क्या वो सही होंगे? ऑब्वियसली नहीं होंगे। आप 70 क्वेश्चन करके आ रहे हो तो 70 क्वेश्चन आपके सही हो ही नहीं सकते। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करके रखनी है। अगर आपकी एक्यूरेसी 90% के आसपास है तो आपके जो क्वेश्चन सही होंगे 63 सही होंगे आउट ऑफ 70। अगर आपकी एक्यूरेसी केवल 80% है तो आपके जो क्वेश्चन सही होंगे 56 सही होंगे। आप यहाँ पे ट्राई करिए कि वैसे ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जिसमें आप श्योर हैं। अगर आप श्योर नहीं है तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कीजिए, छोड़ दीजिए वैसे क्वेश्चन को, वैसे क्वेश्चन को करना ही नहीं है। अगर पेपर इजी टू मॉडरेट जाता है तो आपके 60 क्वेश्चन पे भी सिलेक्शन हो सकते हैं, हमेशा ये याद रखिए। तीसरा पॉइंट, कई बार क्वेश्चन को पढ़ोगे कई सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जहां पे आपको ये श्योर होगा कि दो ऑप्शन करेक्ट नहीं है और इन्हीं और दूसरे के जो नेक्स्ट दो ऑप्शन उसमें से एक सही होगा, तो वैसे क्वेश्चन को आप जरूर अटेम्प्ट करके आना। एटलीस्ट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आप ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आते हो तो उसमें सही होने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई रहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो सर ने बोला था चलो इसमें इस दो में सही इसको मार देते हैं। कोई कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो एग्जाम हॉल में क्या करते हैं, जय भगवान जी जय हनुमान जी करके मार देते हैं, वैसा आपको नहीं करना है, कीप इन माइंड। और ये जो मैं कह रहा हूँ कि जो टू क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है वैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए तो मैक्सिमम 5 to 6 करिएगा, इससे ज्यादा आप निगेटिव मार्किंग नहीं दे सकते, आपको सेफ जोन में भी रहना है। अगर आप 5 से 6 क्वेश्चन करके आते हैं 3 भी उसमें से सही हो जाते हैं तो आप सोच लीजिए एक थ्रेशोल्ड के जाने के बाद अगर आपके मार्क्स ऊपर बढ़ते हैं तो याद रखिए आपका रैंक बहुत तेजी से नीचे आता है, तो हमेशा यह याद रखे रहिए वही आपको सिलेक्शन दे के रहेगा। ये हुई पूरा एक सीनरियो मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे करना है और कैसे कैसे क्रैक करना है इस BHU को, BHU एंट्रेंस को।
अब मैं आपको बता दूं कल का जो डे है, जो आज का डे है, कल तो आपके एग्जाम रहेंगे क्योंकि जब ये वीडियो रिलीज होगी तो ये 27th को होगी आई थिंक, तो कल आपके एग्जाम होंगे। तो आज के दिन आपको केवल और केवल फॉर्मूला जो आपने नोटबुक बनाया हुआ है, अगर नहीं बनाया हुआ है तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उस सारे फॉर्मूले को देखेंगे समझेंगे और कुछ भी नया मत पढ़िए। इसमें कुछ भी नया पढ़ने का टाइम नहीं है, ये कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है कि आप एक रात पढ़ के याद करके जाके लिख के चले आए। ये आपकी 7 से 8 महीने की मेहनत है जो आपने की हुई है, मेरे ग्रुप के स्टूडेंट ने, बहुत सारे हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है जिन्होंने की हुई है। अगर आपने मेरा यूनिट टेस्ट दिया है, क्वार्टर टेस्ट दिया है, फुल लेंथ टेस्ट दिया है, तो आपको एटलीस्ट ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको पता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, आपको पता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, क्योंकि हम लोगों ने इजी टू मॉडरेट से लेकर टफ क्वेश्चन तक पेपर सेट किया था आप लोगों के लिए। और आपने देखा होगा कि वैसे सारे क्वेश्चन में जो कट ऑफ रहती थी, अगर आप यूनिट टेस्ट को ध्यान से देखेंगे तो 10 में 4 या 5 क्वेश्चन ही हाईएस्ट जाते थे सही होने के, तो आपको सारा एक्सपीरियंस है। लास्ट टाइम मुझे पता है कि बहुत सारी गलतियां होंगी, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन एग्जाम देने जाने से पहले आपको एटलीस्ट 8 आवर्स का स्लीप चाहिए ही चाहिए, आपको वो कंपल्सरी, वो मस्ट है, आप जरूर सोइए ताकि माइंड वर्क करे वहां जाके। ओके, एग्जाम सेंटर पे ट्राई करिए कि 1 घंटे पहले पहुंच जाए, कोई इस तरह की कैजुअलिटी ना हो कि टाइम पे सेंटर, आपकी तैयारी अच्छी थी, आप टाइम पे सेंटर नहीं पहुंच पाए जिसकी वजह से एग्जाम छूट गया, इस तरह की कैजुअलिटी नहीं होने पाए। दूसरी बात, अगर आप एग्जाम सेंटर पे जाते हैं, कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, कोई डिस्कशन कर रहा है, कभी भी उसमें पार्ट मत लीजिए, आप जितना जानते हैं वो सफिशियंट जानते हैं। अगर बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो उनको देख के पैनिक नहीं होना, डोंट बी पैनिक। ओके, आपको केवल एक सीट से मतलब है। ओके, आपको सबसे पैनिक नहीं होना है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आप कर सकते हैं, आपने किया हुआ है, आप कर सकते हैं। ओके, ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें माइंड में रखे रहिए, और कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, फॉर्मूले रिवाइज करिए। और लास्ट बट मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को जरूर देख के जाइए, क्योंकि BHU के हिस्ट्री में हमेशा रहा है कि 8 to 10 क्वेश्चन जरूर रिपीटेड आते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन आपको रिपीटेड देखने को मिल सकते हैं। अगर आप बहुत लकी रहे तो हो सकता है कि मेरे टेस्ट पेपर से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि वहीं से देखने को मिल जाएंगे, कुछ डिजिट चेंज हो सकती है, जो हम लोग क्वेश्चन सेट करते हैं उसमें कुछ डिजिट चेंज करके क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो आप लकी रहे तो आप वो भी देखने को मिल सकते हैं। तो जो नए स्टूडेंट है मैं उनको बता दूं कि अभी जामिया का रिजल्ट आया हुआ है, तो जामिया का जो रिजल्ट आया हुआ है अपने ग्रुप से 6 से 7 स्टूडेंट जो है वो फाइनल सिलेक्शन ले चुके हैं। कुछ नाम है जैसे साउथ गौर, जुल्फिकार खान, विराट, शिवानी, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो सेलेक्ट हो चुके हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो स्टार्ट हो चुका है सिलेक्शन का, जो स्टार्ट है वो हो चुका है। और ये जो चैनल है कोई एडवर्टाइजमेंट करने के लिए नहीं है, और ये चैनल बस ऐसे स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए जो पैसों की वजह से कोचिंग क्लासेस को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फाइनली मैं उनके लिए स्टार्ट किया था, इनिशिएटिव लिया था लास्ट ईयर, और इसका रिजल्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से DTU में भी 2 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था, श्रेया सिंह एंड अंशु गंगवार, 2 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था अपने ही ग्रुप से। ये सारी बातें मैं बता रहा हूँ कि अब सिलेक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। लास्ट ईयर जो था हमने BHU में ग्रैंड सिलेक्शन दिया था, अराउंड 40-50% जो सिलेक्शन हुए थे वो अपने ही ग्रुप से हुए थे, और ऑल इंडिया रैंक जो थी बेस्ट वो 2 थी। इस साल होप करता हूँ अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो काफी अच्छी रैंक देखने को भी इस साल मिल सकती है। काफी अच्छी क्या होनी चाहिए, आप लास्ट ईयर मैंने एक्सपेक्ट जो किया था 8 to 10 सिलेक्शन का, आपने काफी ज्यादा आपका जो हार्ड वर्क था आपने काफी ग्रैंड सिलेक्शन दिया था। इस साल भी अगर मेरी वजह से एक सिंगल स्टूडेंट जो कोचिंग क्लास को अफोर्ड नहीं कर सकता, हमारे मेरे टेस्ट की वजह से, सॉल्यूशन वीडियो की वजह से, ग्रुप में प्रॉब्लम डिस्कशन की वजह से अगर सेलेक्ट होता है, इससे बढ़ के मेरे लिए खुशी की बात कोई और नहीं होगी। और ऑब्वियसली रिजल्ट आने के बाद जब मैं अनाउंस करूंगा तो आपको देखने को मिलेगा कि कितने सारे स्टूडेंट जो हैं वो सेलेक्ट हैं। ये मेरा होप है और मुझे लगता है कि ये जरूर होगा, क्योंकि अभी JNU का रिजल्ट, JNU के एग्जाम होंगे, JNU के हो चुके हैं, DU के एग्जाम होंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके रिजल्ट आने बाकी हैं, और BHU का भी रिजल्ट बहुत ही जल्दी आएगा। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, एनालाइज करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या रिजल्ट रहा, कैसा रहा। ट्रस्ट बनाए रखिए, क्योंकि लीडिंग चैनल जो है अभी BHU MSc फिजिक्स के लिए वो शायद यही है जहां से आपको अच्छे खासे सिलेक्शन देखने को मिलते हैं। उसका मेन रीजन यही है कि जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं हम लोगों के साथ उनका हार्ड वर्क काफी ज्यादा रहता है,
और एक प्रॉपर डायरेक्शन के थ्रू वो अपनी प्रिपरेशन करते हैं और वो इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। अगर मैं आपको बीएचयू का पेपर दे दूं और 3 आवर्स आपको दूं तो ऑब्वियसली आप जो पटाप उससे ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो टाइम मैनेजमेंट है वो सबको नहीं आता। और मेरे ग्रुप के स्टूडेंट को टाइम मैनेजमेंट करना आ गया है, वो क्यों आया है, क्योंकि हम लोगों ने कंटिन्यू टेस्ट लिया हुआ है, उन्हें पता है कि किस तरह के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है और कैसे टाइम को मैनेज करना है। और अगर आपने बीएचयू से प्यार किया है, आपने उसके लिए दिन रात मेहनत की है, तो जरूर आपका सपना पूरा होना चाहिए और डेफिनेटली वो पूरा होगा। मुझे एक राइटर है मुस्कान सक्सेना, उनकी दो लाइन याद आती है कि जो मैं रिलेट कर पाऊंगा बीएचयू से, जो हार्ड वर्क कर रहे हैं बीएचयू के लिए, कि इश्क किया था हमने भी, यहाँ पे इश्क जो है वो बीएचयू से है। मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ जो दूसरा इश्क करते हैं और रात भर फोन पे बातें करते रहते हैं, इसको अदर वे में मत लीजिए, मैं मोटिवेट करने के लिए बोल रहा हूँ कि इश्क किया था हमने भी, हम भी रातों को जागे थे। यहाँ पे रात में आप, मैं क्यों बोल रहा हूँ रातों को जागे थे, क्योंकि आपने हार्ड वर्क किया है एवरी नाइट, आपने पढ़ाई की है, तो ऑब्वियसली आपको मिलना चाहिए। इश्क किया था हमने भी, किससे, बीएचयू से, हम भी रातों को जागे थे, जो आपने हार्ड वर्क किया नाइट में, था कोई जिसके पीछे हम नंगे पांव भागे थे, किसके लिए, बीएचयू के लिए। तो ऑब्वियसली आपका सिलेक्शन होगा, आपने हार्ड वर्क किया है, आपको चाहिए तो मिलेगा। और लास्ट टाइम मैंने बोला था, इस साल में बोलता हूँ कि कदम चूम लेगी खुद बढ़ के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे, तो फ्रस्ट्रेट बिल्कुल नहीं होना है, हारना बिल्कुल नहीं है, ये एग्जाम कोई आपकी जिंदगी का आखिरी एग्जाम नहीं है, और भी चीजें आएंगी जिंदगी में, बस दिमाग में रखना है कि बेस्ट देना एग्जाम में और आप वो दोगे, मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर कि आप जो एग्जाम देने जा रहे हो इसमें आप काफी अच्छा करोगे, 100% अच्छा करोगे। और ऑल द बेस्ट, मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ है, आई होप कि जल्दी से आप क्वेश्चन पेपर का जो भी है वो आप देख के आओ, उसके बाद अपना जो फीडबैक वो शेयर करो ग्रुप में, उसके बाद हम लोग कुछ डिसाइड करते हैं, कुछ सोल्यूशन वीडियो डालते हैं, कुछ कटाप के बारे में सोचते हैं, ये सारी चीजें की जाएंगे। लेकिन हाँ, जियो फिजिक्स के भी एग्जाम है तो उसके लिए भी इन बिटवीन अगर आप कहोगे तो मैं सोल्यूशन वीडियो जरूर दूंगा, अदरवाइज जियो फिजिक्स के बाद हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। वैसे भी मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो पाएंगे, तो आप ट्राई करना, जितना भी आपको याद है आने के बाद आप सारे क्वेश्चन को लिख लेना, और पर्सनली आप मेरे ग्रुप के स्टूडेंट जो है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं उसको एक बार पूरा का पूरा देख सकूं, क्वेश्चन को एक लेवल जान सकूं, और फाइनली मैं आपको एक रफ आइडिया दे सकूं कि कट ऑफ कहां तक लाइक कर सकती है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी प्रिपरेशन तो कंटिन्यू करते रहिए जब तक एग्जाम है, और फाइनली बीत चुके एग्जाम में फोड़ के आओ और इस बार ग्रैंड सिलेक्शन दिलाओ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।